अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रास में और मेरे साथ बैठे हैं एक पाकिस्तानी स्टूडेंट, इनका नाम है फैज़ान फैजान मोहम्मद। भाई। फैज़ान अभी आए हैं जी, कुछ ही महीने हुए इनको, आई थिंक एक महीना हुआ आए हुए। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ्स, बिल्कुल सही। तो फैज़ान से पूछते हैं जी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रास का इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और किस तरह ये यहाँ पे आए और इनको यहाँ पे कैसा लगा आके और कैसा इनका ओवरऑल एक्सपीरियंस है। तो कैसा लगा जी आपको ऑस्ट्रिया में? ऑस्ट्रिया? अच्छा, ऑस्ट्रिया बड़ा ही मुझे खूबसूरत लगा। मैं ऑस्ट्रिया के जिस शहर में आया हूँ वो ग्रास कहलाता है, और मैं जब यहाँ पे विज़िट किया फर्स्ट डे पे, तो मुझे काफ़ी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और जो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आप यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको और पुरानी बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी लगी है या नई बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी लगी मेरे तो है? मुझे तो एक्चुअली हिस्टोरिकल लाइक एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और जो ये शहर है वो ग्रास, वो सेकंड लार्जेस्ट सिटी है ऑस्ट्रिया का। सो बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे अभी तक जो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन टू द पीपल जो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रास में थे और उनसे कम्युनिकेशन करने में थोड़ी इंग्लिश में मुझे आसानी हो रही थी, बिकॉज क्योंकि इनको जर्मन तो आती है, बट अगर कोई और सिटी होता जो कि स्मॉलर होता तो उस टर्म्स में मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी बिल्कुल सही होती। बात है। यहाँ पे ग्रास में मतलब मैं भी ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं जब से मैं रह रहा हूँ। ग्रास में मैंने ये चीज़ नोट की है कि ग्रास को बेसिकली ना आप कह लेंगे स्टूडेंट सिटी बोला जाता है ऑस्ट्रिया का। यस आई थिंक यहाँ पे प्रॉबेबली अराउंड 40 to 50,000 स्टूडेंट्स हैं टोटल, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के। मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रास है, टी यू ग्रास है, एफ़ाज़ हैं, इसके तकरीबन 40-50 हज़ार स्टूडेंट्स हैं। इसकी वजह से यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर होने की वजह से ना काफ़ी वो आप कह लें कि लोगों की इंग्लिश बोलने वाली स्किल्स जो है ना वो भी डिवेलप हो गई हैं। और सेकेंडली ये है कि ग्रास की जो क्वालिटी है कि यहाँ पे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट होने की वजह से आपको काफ़ी कुछ लोगों से सीखने को मिलता है। आपको डिफरेंट कल्चर, एक्टिविटीज़ इन टर्म्स ऑफ फूड, आप एक्टिविटीज़ करते हैं, आप उनके लिए फूड बनाते हैं, वो आपके लिए फूड बनाते हैं। इन टर्म्स ऑफ उनके जो ट्रेडिशनल इवेंट्स होते हैं उसमें काफ़ी आप लोग मतलब बंदे को अवेयरनेस होती है और बंदे बंदे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये एक लेक्चर हॉल है जी और अंदर आपको लोग भी नजर आ रहे होंगे, अंदर क्लास हो रही है इस टाइम। अच्छा, यहाँ पे ना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जैसे ये गैलरी है, इसके अंदर ही ना यहाँ पे इन्होंने ये वेंडिंग मशीन्स भी रखी होती हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जी डिफरेंट किस्म के जूसेस हैं, चॉकलेट्स हैं वगैरह वगैरह, और आप यहाँ से आई थिंक कार्ड लगा के भी पे कर सकते हैं, कॉइन से भी पे कर सकते हैं। अच्छा, तो कैसी लगी आपको यूनिवर्सिटी यहाँ की? हाँ, यूनिवर्सिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जो रिसोर्सेज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का, वो तो अनबिलीवेबल है। और वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज जो कि मैंने ये चूज़ की यूनिवर्सिटी बाय चांस था, बट जो मुझे यहाँ पे आके जो मिला वो ये है कि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं। अब काफ़ी जो मुझे फीडबैक मिला है, इवन जो ऑलरेडी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे थे ठीक है। उनके अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ये था कि ये जो यूनिवर्सिटी है स्पेसिफिकली, यहाँ के प्रोफेसर अदर यूरोपियन यूनिवर्सिटी से काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं आपके इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम्स, आपके इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, आप इन टर्म्स ऑफ आपके जो कोर्सेज हैं उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। मतलब आप कहीं पे आप की कोई एग्ज़ाम है, आप उनके साथ अपने टाइम और स्केड्यूल के मुताबिक आप उनसे स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। और यस, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो होती है वो आपकी यूनिवर्सिटी की लैब्स होती हैं, बिकॉज जो लड़का भी ज़्यादा जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं वो मास्टर्स के आते हैं। सो मास्टर्स के लिए लेबोरेटरी जो होती है वो, इसके रिसोर्सेज अवेलेबल होना एक यूनिवर्सिटी में वो बहुत बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट होता होता है। और आई थिंक यहाँ पे लैब्स का बहुत अच्छा सिस्टम है, क्योंकि
बहुत सी यूनिवर्सिटी, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रास है या कोई भी और आप यूनिवर्सिटी उठा लें, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है, वहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से प्रोजेक्ट्स फंडेड होते हैं। यस, जिसकी वजह से क्या होता है कि गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि भाई जहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं उन लोगों के पास इक्विपमेंट पूरा है, इंस्ट्रूमेंट पूरे हैं, जो रिसर्च बेस्ड काम हम उन लोगों से करवाना चाह रहे हैं उस हवाले से। तो यहाँ के और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या मेन डिफरेंस लगा? फर्स्ट बैरियर जो होते हैं वो ये कि पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब भी कोई कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो वो कोर्स करिकुलम को इतना डीप स्टडी नहीं करते। तो जब वो यहाँ पर आते हैं और इनके रिसोर्सेज को देखते हुए इनके सिस्टम में जब वो मर्ज होने की कोशिश करते हैं तो उनको तो फर्स्ट 3 या 4 मंथ्स में काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। बट यहाँ पे जो मेन डिफरेंसेस हैं वो ये है कि यहाँ पे ये ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको जो है ना वो आपकी लर्निंग करवाते हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ आपके प्रेजेंटेशंस। जबकि हमारे वहाँ पे काफ़ी कोर्सेज आउट ऑफ डेट होते हैं, लाइक जो टीचर्स वगैरह जो वहाँ पर पढ़ाते हैं, बट यहाँ पे लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक ही आपको स्टडीज करनी पड़ती हैं, रिसर्च पेपर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं अगर आप मास्टर्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं। और अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है कि यहाँ पे ना जैसे पाकिस्तान में तो हम एक ही लफ्ज सुनते हैं स्कोप, फलां चीज का स्कोप बहुत है, वहाँ पे क्या होता है कि यूनिवर्सिटी का करिकुलम नहीं बिकता, यूनिवर्सिटी की जो डिग्री होती है ना उसका नाम बिकता है। यानी मतलब यूनिवर्सिटी के हिसाब से नहीं मैं बात कर रहा कि लम्स है या बैरिया है या उनका नाम नहीं, मतलब इवन कोई छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी भी होगी ना तो उसका ये बिकेगा कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो रही है, फलां है जी, फलां चीज हो रही है, आगे उसके कोर्स कंटेंट क्या है, आपको पढ़ाया क्या जाएगा, आप एंड पे लेके क्या निकलेंगे यूनिवर्सिटी से, उस पे तो जाहिर है किसी का फोकस होता ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। दूसरी सबसे जो मेन जो यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे अपने लिए खुद ही कोर्स अपने लिए डिजाइन कर सकते हैं, आपके जो आपका इंटरेस्ट है, आप जो पढ़ना चाहते हैं ना आपको यूनिवर्सिटी वो आपको वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल करिए। हाइब्रिड सिस्टम ये कह सकते हैं कि आपके अगर लेट सपोज आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो अब आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिल नहीं लगा, मतलब आप 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 आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो यू कैन शिफ्ट योरसेल्फ टू अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। ओके सो और यहाँ पे प्रोग्राम्स की जो डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं और प्रोग्राम्स की डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। और सबसे जो मेन जो डिफरेंस है कि हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऑलवेज गो फॉर स्कोर कि मुझे स्कोर मिले, और लेट्स सपोज कि उनका वहाँ पे स्कोर जब वो गेन करते हैं बट उनको प्रैक्टिकल जब लाइफ स्टार्ट होती है तो उसमें स्किल बेस्ड आ जाती है आपकी, बट यहाँ पे आपके स्कोर्स भी मैटर करते हैं और आपकी स्किल्स भी मैटर करती हैं, बिकॉज आपके पास सिर्फ स्किल्स हो लेकिन आपके पास स्कोरिंग कार्ड ना हो। बट और इसकी एक और रीज़न भी है, क्योंकि मैंने भी मास्टर्स यहीं से किया, तो इसकी रीज़न एक जो मैंने भी देखी है ना वो बेसिकली ये है कि आपके कोर्स में ही वो सारी चीज़ें हैं जो आपसे रिक्वायर्ड हैं आपकी जॉब में। यस, अगर आपके आपके उस कोर्स में ही अच्छे ग्रेड्स नहीं हैं तो किस तरह का कोई मैनेजर या जो आपको हायरिंग करने हायर करने वाला बंदा है वो किस तरह जज करे आपके आपके आपकी स्किल को अगर आपके ग्रेड्स ही बुरे हैं उस सब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ के जो इनको असल में जो कंपनीज, मैंने एक बात नोट की है कि कंपनीज को यहाँ के सिस्टम पे फुल ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट की वजह से ही स्टूडेंट्स के ऊपर इनका जो है ना वो बिल्ड हो जाता है कि इस लड़के के पास इतनी स्किल्स होंगी कि हमारे साथ कोलैबोरेट करेगा, कल को हम इसको कोई जॉब ऑफर करेंगे। और सेकेंडली यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और इन टर्म्स ऑफ मास्टर्स के लिए अगर आप बोलें तो आप प्रोफेसर के साथ आप कोऑर्डिनेट करके अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब मैं मास्टर के स्टूडेंट हूँ तो मुझे यहाँ तक के रिसोर्सेज पता है, बट ये कि आप इंडस्ट्रियल रिसर्च भी कर सकते हैं, आपको इंडस्ट्रीज जो होती हैं आपको प्रॉपर इंटर्नशिप्स ऑफर करती हैं और वो आपके कोर्सेज का हिस्सा होती हैं अगर आपने वो इंटर्नशिप्स करनी है। और सबसे बिगेस्ट जो एडवांटेज है कि वो पेड होती हैं आपके, यहाँ पे एक्सपेंसेस में काफ़ी आपको हेल्प मिल जाती है। अच्छा फैजान बता रहे हैं जी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम भी है कि अगर आप बाहर से आते हैं, आपकी बड़ी सी जैकेट है या कोई बैग शैग आपके पास है या कोई और आपकी ऐसी वैल्यूएबल चीज़ है जो आप स्टोर करना चाहते हैं क्लासेस के दौरान, तो आपको लॉकर भी मिल जाता है। तो आए जी वो लॉकर देखते हैं चल के।
वाह जी, फिट है यार। और ये आई थिंक ग्रीन का ये मतलब है ना कि ये अवेलेबल है। यहाँ पे एडमिशन फीस आपकी बहुत कम है और इवन अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आपको यहाँ से रिफंड भी हो जाती है वो फीस। ओके ओके, इट्स इंटरेस्टिंग। वैसे कितनी है पर सेमेस्टर फी? 725 ओके, पर सेमेस्टर। पर सेमेस्टर या सो साल के तकरीबन 1500 बन गया। So, और ये जो आप रिफंड का बता रहे हैं, ये जो रिफंड होता है ये भी ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस बेस्ड होता है? मतलब no, सिर्फ यही नहीं है कि ओके आई गेस के यहाँ पे जो होता है वो आपके अगर कंट्री उनकी लिस्ट में आती है अंडर डेवलपिंग, ओके, तो वो आपको अगर आप उनके क्राइटेरिया के मुताबिक हैं तो वो आपको रिफंड कर देते हैं आपकी जो फीस जो होती है। माइट बी 50% बट एट लीस्ट दे टेक ऑलमोस्ट 50% एज अ स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन फीस। आप अप्लाई कर लें, आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है, आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको वो रिफंड कर देते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स को ना मतलब क्वेश्चन ये होता है कि मतलब जैसे मेरा चैनल है तो मुझसे ऑलमोस्ट डेली दो तीन स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट करते हैं। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन वो पता है क्या करते हैं कि यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स की क्या सिचुएशन है, क्योंकि जाहिर है आप स्टूडेंट हैं, आपने आना है। अब मतलब हम यूरोपियंस तो नहीं है कि हम यूरोज में हमारे माँ बाप कमा रहे हैं तो वो यूरोज में हमें यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, तो उसकी क्या है यहाँ पे सिचुएशन? आपका कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा रिगार्डिंग पार्ट टाइम जॉब्स की अगर बात की जाए? ग्रास सबसे पहले फैक्टर हर लड़के यही देखता है कि सिटी कितना बड़ा है, बिकॉज जितना बड़ा सिटी होता है आपको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है। एग्जैक्टली exactly. और मेरे भी केस में यही था कि मुझे भी ऑस्ट्रिया में एक छोटे सिटी में प्रोग्राम ऑफर हो रहा था और एक बड़े सिटी जो कि ये ग्रास है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी था, तो मैंने ग्रास को ही सेलेक्ट किया इन टर्म्स ऑफ जॉब। तो लेकिन मैं ग्रास में जब मैंने विजिट किया और थोड़ा एक्सप्लोर किया रिगार्डिंग जॉब्स के हवाले से, तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन, आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। okay. और सबसे जो लड़कों को बैरियर आता है, अगर हम सबसे पहले बैरियर की बात करें तो वो लैंग्वेज का होता है। सो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स जर्मनी में भी थे, तो मैं जब यूरोप मूव हो रहा था तो उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 3 माह पहले ही बता दिया था कि आप जर्मन लैंग्वेज सीख कर आए। तो इन टर्म्स ऑफ जॉब में सबसे बड़ा बैरियर आपकी लैंग्वेज बैरियर होती है। मैं भी ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट करता है ना कि जी मेरा एडमिशन हो गया या होने वाला है, मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई कुछ करके ना इतनी जर्मन सीख गया हो कि अगर कोई बंदा आपसे बात करने लगे तो यार कम से कम वो बात तो कर सके ना। कि फॉर एग्जाम्पल इतनी आपको आती हो कि जी ये रख दो, ये पकड़ा दो, वहां चले जाओ, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा खोल दो, फ्रिज खोल दो, कमरा बंद कर दो, यानी यूं की जो डेली लाइफ की चीजें वो तो आपको आती हैं। अगर आपको ये नहीं आती तो मतलब इनको ब्लेम नहीं की कर सकते आपके जी। अब आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की मिसाल लेना, जो पाकिस्तान में कोई बंदा आ जाए, ना उसको उर्दू आती है, ना उसको इंग्लिश आती है, ना उसे कोई लोकल पंजाबी सिंधी बलोची पश्तो कोई लैंग्वेज नहीं आती लोकल, और वो आगे कहे जी मुझे काम दो। अब आप उसको किस तरह काम देंगे? अगर आप काम देंगे भी तो आप मेहरबानी करेंगे उस पे, जाहिर है। यस, और लैंग्वेज अगर आपको आ जाती है, आपको बेसिक्स आ जाती है, और आई गेस के उस लैंग्वेज के ये बैरियर अगर आपका फिनिश हो जाता है, तो फिर आप इजीली जो है ना यहाँ पे विद इन डेज में आप अपने लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। अगर आपको अपना सर्वाइवल यहाँ पे करना है तो आपको ऑड जॉब्स तो बहुत इजीली ऑफर हो सकती हैं, बिकॉज दे ऑलवेज डिमांड्स फॉर जर्मन लैंग्वेज। बिकॉज क्योंकि अगर आप एज अ कहीं पे जाते हैं और आपने काउंटर के ऊपर एज अ जॉब करनी है, तो आपको लाजमी बात है कि आपको जर्मन पीपल्स के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। तो जर्मन एंड देन देर आर सम स्पेसिफिक जॉब्स जिनके लिए आपको इंग्लिश बेस्ड होती है, बट वो ज्यादातर टेक्निकल जॉब्स होती हैं जो कि आपकी फिर स्किल बेस्ड होती हैं। Exactly. अगर आप उनके लिए अप्लाई करना चाहें, मेजरली आईटी और कंप्यूटर के रेलेवेंट जो जॉब्स होती हैं वो आपको इंग्लिश में ऑफर हो जाती है। सो और लेकिन अपॉर्चुनिटीज से ये फुल है, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होती हैं, टिप्स भी मिलती हैं। ऑड जॉब्स करना चाहें तो आपको ऑड भी मिल सकती है, आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आपको प्रोफेशनल जॉब भी मिल सकती है, पार्ट टाइम भी मिल सकती है। बट जर्मन का अगर आपके पास एक कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक वो टूल है, हाँ टूल है, तो बस फिर आपके लिए कोई इशू नहीं। बट मे बी यू लिटिल बिट स्ट्रगल इफ यू डिपेंडेंट ऑन टोटली इंग्लिश। तो आपकी यूनिवर्सिटी में कितने पाकिस्तानी हैं टोटल?
हमारी यूनिवर्सिटी तो काफ़ी बड़ी है, बट अभी तक जो मेरी जो कनेक्शंस में जो लड़के नज़र आए हैं वो कम से कम अराउंड 10 स्टूडेंट्स ही हैं जो कि यहाँ पे इस विंटर सेशन में मेरे साथ इन्होंने जो है वो ज्वाइनिंग दी है। अच्छा, यानी वो लोग नए हैं। अच्छा, अभी आपकी पुराने किसी से मुलाकात नहीं हुई यहाँ? यस, एक्चुअली यहाँ पे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो ग्रास में अभी थोड़ी सी ग्रो कर रही है। ओके, या तो एक्चुअली यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 4 लाख है। तो उसमें से मेरे अंदाजे के मुताबिक मोस्टली होंगे या 25,000 या 20,000 पीपल जो होंगे वो पाकिस्तानी मूव होके यहाँ पे ग्रास में आए होंगे। ये आपने बहुत ऑप्टिमिस्टिक वो नंबर बताया। यस, मैं आपको रियल नंबर बताता हूँ। अच्छा, आई थिंक स्टूडेंट्स फैमिलीज में मतलब बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सारे लोग डाल के ना आई थिंक मैक्सिमम 250 लोग होंगे। रियली? लिटरली। क्योंकि फर्क पता क्या है, इसकी रीजन क्या है, ग्रास सिटी जो है ना वो मतलब एजुकेटेड लोगों के लिए है। यहाँ पे क्या सीन है कि यहाँ पे लोग आपको ज्यादा मिलेंगे मास्टर्स के लिए आए हुए, अब बैचलर्स के लिए भी आना शुरू हो गया। इंशाल्लाह मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा बैचलर्स के भी किसी स्टूडेंट से, और उसके अलावा पीएचडीज के लिए लोग आते हैं। और जो लोग आते हैं ना असाइलम पे आए थे, मतलब जो पुराने आए थे 30-30 साल पहले, उनकी भी अक्सरियत जो है ना वो ग्रास छोड़ के जा चुकी है। यस, क्योंकि यहाँ पे उनके हिसाब से कम अपॉर्चुनिटीज थी। मतलब वो हम तो ये है ना कि चलो भाई पार्ट टाइम काम किया, उसके बाद डिग्री होगी, डिग्री के बाद फिर अपनी फील्ड की जॉब लग, लेकिन उन लोगों को जाहिर है स्ट्रगल डिफरेंट करनी पड़ती है। तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि वो या तो किसी दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाते हैं या फिर वो वियना वगैरह मूव कर जाते हैं। अच्छा जी, ये चेक करें जनाब, यहाँ पे फोटोकॉपीज मशीन दी हुई है यूनिवर्सिटी ने, और ये बता रहे हैं कि ये हैं तो पेड ही। अब मुझे याद आ रहा है जो हमारा सिस्टम होता था यूनिवर्सिटी में उधर फ़ाखुख शोले के अंतन में, उसमें ये था कि आपके कार्ड में पैसे होते थे और आप अपने कार्ड को इस जगह पे स्कैन करते हैं और मशीन एक्टिवेट हो जाती है और आप अपनी कॉपीज़ वगैरह निकाल सकते हैं जो कि आपकी आईडी पे होती हैं। तो ये जनाब साथ में इन्होंने दिया हुआ है स्टूडेंट्स को एक वर्क स्टेशन जहाँ पर आप अपना इंटरनेट से कुछ अगर आपने काम करना है और प्रिंट निकालना है तो इसके साथ ही जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या सब ज्यादा मिस करते हैं पाकिस्तान का? फूड। रियली फूड इज वन ऑफ द मेजर थिंग जो कि आपको मिस होता है, बिकॉज आपके जो वहाँ पे जो देसी खाने होते हैं और इट्स रियली यू नो यहाँ के जो खाने हैं वहाँ के जो खाने हैं उनमें आप एक 180 डिग्री का शिफ्ट है, यू कैन से दैट, बिकॉज यहाँ के जो ज्यादातर लोग होते हैं वो आपको वेजिटेरियन और बेस्ट इंस्टेंट कुकिंग पे आपको ये लगते हैं। तो ऑब्वियसली 10 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। 10 मिनट में जी, 5 मिनट में भी मैंने देखा है। लाइक जैसे ही आलू जैसे ही बस बॉईल कर लिए पोटैटोज और आपने बस जी खा लिया। बिल्कुल सही। यहाँ पे जी फूड की बहुत फूड का, हाँ उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान में जो फ्रीडम है ना कि जिस मर्जी रेस्टोरेंट में घुस जाओ जो दिल करे उठा के खा लो, बट वो वाला सीन नहीं। गुड थिंग इज दैट ग्रास की कि यहाँ पे आपको काफी इंटरनेशनल रेस्टोरेंट और स्टोर्स आपको मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो फूड की जो आइटम्स आपकी परचेज होती है वो आपको एक्सेसिबल होती है। जो आइटम्स मोस्टली आपको पाकिस्तान में मिल सकते हैं वो यहाँ पे इन स्टोर्स पे आपको अवेलेबल हो जाते हैं। लाइक अफगानिस्तान के रेलेवेंट यहाँ पे अफगानी स्टोर्स हैं, टर्किश स्टोर्स हैं, बट शान के मसाले भी मिल जाते हैं। शान के मसाले भी, और यस यू आई विल लाइक टू सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पे ग्रास में और टर्किश फूड को ट्राई करें, बिकॉज इवन ऑस्ट्रियन पीपल आल्सो लाइक द टर्किश फूड। यहाँ पे काफी रेस्टोरेंट्स आपको टर्किश के मिल जाते हैं। तो यस, बट पाकिस्तान के फूड अलग ही लेवल है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, हम अभी फूड की बात कर रहे हैं तो मजे की बात ये कि फजान ने भी मुझे दिखाया यहाँ पे एक बूफे लगा हुआ और सारे स्टूडेंट्स को जो है ना फ्री दावत है। अब हम जाते हैं थोड़ी देर जो है ना बूफे से कुछ खाते हैं। वो लड़की आई थी हमें इनवाइट करने के लिए,
तो चलें जी इंशाल्लाह भी मजीद भी यूनिवर्सिटी देखते हैं। चलें जी थैंक यू जनाब फैज़ान का, और ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मिलते हैं और आपको कोई और यूनिवर्सिटी विज़िट करवाता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।